अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सेवन क्लास, आज हम अपनी सेकंड टर्म यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसमें हम सबसे पहले कॉन्टीन्यूड रेशो पढ़ेंगे। यहाँ पे आप पेज नंबर 77 पे कॉन्टीन्यूड रेशो की डेफिनेशन का निशान लगा लें। डिफाइन कॉन्टीन्यूड रेशो, इसका आंसर आपका यहीं से स्टार्ट होगा। If the two ratios A ratio B and B ratio C are given for three quantities A, B and C, then the ratio A ratio B ratio C is called continued ratio। अगर हमें अलग अलग A और B की ratio, B और C की ratio, B ratio C दोनों की आपस में अलग अलग रेशो हमें गिवन हो, ए और बी की, बी और सी की, तो इन तीनों की इकट्ठी एक रेशो बना देने को कॉन्टीन्यूड रेशो कहते हैं। हमारी एक्सरसाइज 6.1 में भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रेशो बी 3:5 हो एंड बी रेशो सी 5:6 हो, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। तो फिर हमने ए, बी और सी की अलग अलग इकट्ठी रेशो निकालनी है, कॉन्टीन्यूड रेशो निकालनी है। हम अपनी कॉपीज़ पे सेकंड टर्म लिखेंगे यूनिट नंबर 6, उसका नाम और एक्सरसाइज लिखने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कंप्लीट जो हमें गिवन है। सॉल्व करते हुए हम ए रेशो बी रेशो सी लिखेंगे जो कि हमने फाइंड करना है, और फिर इसके नीचे ए रेशो बी के नीचे 3:5 जैसे हमें गिवन है उसी तरह पुट कर देंगे, और बी रेशो सी के नीचे 5:6 जो हमें गिवन है इसी तरह इसको लगा देंगे। आगे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 को 5 से करना होगा, और फिर ऊपर वाले 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट नंबर को दूसरे रेशो के फर्स्ट नंबर के साथ, फिर दूसरे नंबर को दूसरी रेशो के फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर पहली रेशो के दूसरे नंबर के साथ दूसरी रेशो के दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसमें कंडीशन है, आपने हमेशा इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, चाहे यहाँ पर जो भी नंबर्स हों। 3:5 लिखा, 5:5 लिखा, 5:6 लिखा। अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 5 हर जगह कॉमन है, मतलब हम 5 को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम डिवाइड बाय 5 करें, 5 से डिवाइड करें, तो इन तीनों जगहों से 5 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3:5:6। ये इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ एस आर रेशो एस इज़ इक्वल टू 1:4 एंड एस रेशो टी इज़ इक्वल टू 2:3, देन फाइंड आर रेशो एस रेशो टी। यहाँ पर लिखने के बाद 1:4 लिखेंगे और उसके नीचे 2:3 लिखेंगे। 1:2 किया, 4:2 किया एंड 4:3 किया। मल्टीप्लाई करने के बाद 2, 8 and 12 आ गया। अब हम यहाँ पर शॉर्ट कर लेंगे डिवाइडिंग बाय 2। तीनों नंबरों को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास पहले नंबर की जगह 1 बन गया, दूसरे की जगह 4 और तीसरे की जगह 6। 1:4:6 आपका आंसर। इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन है P:Q 1:2 हो एंड Q:R 1:2 हो तो फाइंड करना है हमने P:Q:R। यहाँ पे P:Q:R लिखने के बाद P और Q के नीचे उसकी वैल्यू 1:2 लिखी, Q और R के नीचे 1:2 जो गिवन हमें वैल्यू है वो लिखी। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, 1:1 किया, देन 2:1 किया और उसके बाद 2:2 किया। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद बन गया 1:2:4। ये तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड मज़ीद नहीं हो सकते, तीनों का डिवाइड होना ज़रूरी है।
इसलिए इसका यही आंसर रहेगा 1:2:4 कॉन्टीन्यूड रेशो आंसर। स्टूडेंट्स आज आप 6.1 के ये पहले तीन सवाल इसी तरह अपनी कॉपीज़ पे नीट करोगे और रफ़ कॉपीज़ पे इनकी प्रैक्टिस करोगे। इंशाल्लाह आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से कल काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।